खतरनाक निकली घूंघट वाली ये महिला। सोचा था पकड़ी नहीं जाऊंगी। यूपी के महोबा में एक महीने पहले युवक पर हुए जानलेवा हमले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में नाजायज संबंधों की कहानी सामने आई है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जान से मारने की साजिश रची थी। किस्मत से पति की जान बच गई और आरोपी पत्नी प्रेमी के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गई। घूंघट के अंदर से उसने बताया कहां से आया था ये आइडिया। 31 मई को महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के रहने वाले रविंद्र सिंह पर तीन बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उनका अभी भी इलाज चल रहा है। केस को लेकर एसपी अनीस अहमद ने टीम गठित की थी। जांच के दौरान पुलिस को रविंद्र की पत्नी प्रियंका पर शक हुआ और पता करने पर इसके पीछे प्रेम संबंधों की कहानी सामने आई। एसपी ने बताया रविंद्र का विवाह झांसी के रहने वाले माखन की बेटी प्रियंका से इसी साल हुआ था, लेकिन वो इस विवाह से खुश नहीं थी। उसका अपने ही गांव के गौरव से अटेर था। विवाह के बाद पति उसके प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहा था। उसे रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मर्डर की साजिश रची। प्रियंका के मुताबिक उसने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर सबूतों को मिटाने का आइडिया लिया था। दोनों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। इस दौरान दोनों ने अपने पर्सनल फोन की जगह दूसरे फोन का इस्तेमाल किया। प्रियंका ने 31 मई की शाम को रविंद्र को सब्जी लेने के लिए बाजार भेजा, जहां प्रेमी गौरव अपने दोस्त रिंकू धर्मेंद्र के साथ पहले से ही वहां घात लगाए बैठे थे। तीनों ने उस पर कई राउंड फायरिंग की। आरोपी पत्नी के मुताबिक, मुझे पूरा यकीन था कि मैं किसी भी हालत में पकड़ी नहीं जाऊंगी। गिरफ्तार होने से पहले तक पति के ही साथ थी। क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर मैंने पूरी प्लानिंग की थी और वहीं से मैंने सबूत मिटाने के तरीके भी सीखे थे। पहले भी हुई है मारने की कोशिश। एसपी अनीस अहमद के मुताबिक पुलिस ने आरोपी प्रेमी गौरव सिंह और उसके दोस्त धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रिंकू अभी फरार है। तीनों आरोपी झांसी जिले के ही रहने वाले हैं।